निशा कामरा फैन ब्लॉग की तरफ से गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ, पहले मतलब गाइस को गुड मॉर्निंग कर लूँ, हालचाल पूछ लूँ। तो आपका दिन भी शुभमंगलम जाए, मेरा दिन भी अच्छा जाए। तो गाइस अभी बस नाश्ता वाश्ता करके गए हैं, सुनील जी अपने शॉप पर गए हैं, तो आज मेड आई नहीं, बिन बताया छुट्टी कर गई। अभी सारा काम पड़ा हुआ, अभी पहले डस्टिंग वस्टिंग सब करूँगी, उसके बाद मैं सफाई करूँगी, बर्तन होंगी। आज सारा काम लेट हो गया क्योंकि मेड अभी आए नहीं, तो फटाफट सब करती हूँ। पर ये भी सो रही है, जब तक परी सो रही तो मैंने सोच लूँ सारा काम फटाफट निपट जाए। तो आज लंच में बनाऊंगी गाइस मखनी दाल, साथ में रोटी सैलेड और चटनी। तो मिलते हैं आज आपको मखनी दाल के साथ, क्योंकि मखनी दाल में बहुत टाइम लगता है। हमारी नन्नी मुन्नी कैसे सो रही है, घोड़े बेच के सो रही है। और ये देखिए सारे बैठ के इसने पन्नी फाड़ दी। ये देखिए, आप कहते पन्नी मत हटाना, लेकिन इसने पन्नी फाड़ दी। तो देखिए कितना बुरा लग रहा है। तो अब मैं उतार रही हूँ सारी पन्नी, ये देखिए सारी फाड़ दी नीचे से पन्नी। तो गाइस ब्रेकफास्ट मैं बनाया दही परांठा और साथ में लस्सी मीठी मीठी। क्या टूट गया? दिखा कहाँ चलाया, किसने तोड़ा, क्या कर रही निशा है? आज पन्नी उतार देना बैठ गई, आज मैंने कहा था तेरे को आज उतार दे, परी ने आधी तो फाड़ दी है। आज क्या बनाया सब्जी? मखनी दाल, वही पंजाबी तड़के वाले बनाई है। उसका क्या कह दी सारी का? भेज दू ट्रेन की टिकट बुक करा दू, तुम्हें भेज दो शिमला, तुम्हें काम रहो, दो चार दिन जाओ रहो और आराम मौज लो, ठीक है? जाएगा परी, जाएगा कौन है परी, जाएगा? अच्छा निशा, मैं इसलिए आया था ऊपर, मैं कह रहा था वो उस कमरे के लिए टेबल लेने चलते हैं। हैं धूप है, देख ले स्कूटी भी चल रही, गाड़ी तो गई भी है। हैं चलना है तो बता, तो नहीं चले तो बताए, सब्जी सब्जी बना ले फिर आके खा लेंगे। ये देखिए परी फाड़ी जा रही है पूरा, तू एक काम कर, इसको पूरा निकाल दे, जब तक फाड़ेगी ना इसका चैन। गाइस कहते हैं कि निशा जी ये कवर, ये पन्नी मत फाड़ना, मेरी औलाद इतनी तेज है मैं क्या करूं। तो ये खुद ही फाड़ रही है, देखो गाइस आप लोग कमेंट कर रहे हैं ये बहुत सारो, ये खुद ही फाड़ती है, कौन फाड़ रहा कौन सही से रखता है। ये देखो ये दिखा रही है। तो गाइस कमेंट कर रहे हैं कि मदर आप अच्छी नहीं हो और इसका अच्छा ध्यान नहीं रखती। तो गाइस मदर से ज्यादा बच्चे का कोई ध्यान नहीं रख सकता, ये तो आपको ब्लॉग में सिर्फ 10 मिनट का ब्लॉग दिखता है, पूरा दिन इस आफत को तो इसकी माँ ही संभालती है, निशा ही संभालती है। तो ऐसे कैसे आप जज कर लेते हो? अगर गाइस को ऐसा लग रहा है ना, सुनील जी आप इसके लिए अलग ही मदर ले आओ। गाइस को लगने से मतलब गाइस के लगने से इसकी माँ नहीं ले आऊं? अरे गाइस को 10 मिनट का ब्लॉग देख रहे हैं, उनको तो लगता है कि ये ऐसी पल रही है। हाँ। एक दिन मैंने क्या नला दिया शिमला में, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पति ज्यादा संभालता, सुनील जी संभाल रहे हैं और निशा तो कुछ करती नहीं है ना संभालती है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट मत कीजिए करे, माँ बाप से बढ़ के हमारी इकलौती औलाद है। आज आपको फिर कह रहा हूँ, मैं करूँ जितना निशा इसका ध्यान रखती है, इतना इस संसार में इसका ध्यान कोई रख नहीं सकता है। पर आपको हर चीज तो हम दिखा नहीं सकते ना गाइस, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए करें, रिक्वेस्ट है। नहीं अब जो शिमला गया हूँ गाइस, 3 दिन मेरे साथ रही है, तो मैंने नहलाया, जो सच है तो सच है, उसमें झूठ की क्या बात है। आज देखो ये नहाइए किसने लाया, आज की माँ ने लाया। तो 3 दिन मैं फ्री था, तो मैं चल मेरे साथ कर ले, नहीं नहीं उसमें क्या, मेरी गाय ऐसा कुछ नहीं है, निशा पूरा घर संभालती है, पूरा घर देखती है, खाना वाना बच्चे को सब कुछ यही देखती है। मैं तो अपने बीच तो मेरे पास कहाँ टाइम है, ये तो हम शिमला, हाँ हम तो बस शिमला गया था, शिमला में मैं फ्री था, चलो फादर साहब ने अपनी बेटी ने नहा ली। हाँ तो वो तो क्या 3 दिन मेरे साथ नहीं है, तो क्या हो गया इसमें क्या बात है? हाँ तो मैं खाली था, मैंने नहला दिया, चल तो मेरे साथ नहा ले। गाइस ऐसे कमेंट मत कीजिएगा जो दिल दुखे निशा। हाँ तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे कमेंट मत किया करे, हमारी जान है हमारी बेटी है, इससे ऊपर हमारे संसार में कोई नहीं है। सब कुछ इसके लिए जो हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ इसी के लिए कर रहे हैं।
बनाते हैं, इसको तूने खिलाया नलाया दुलाया तैयार किया नहीं किया सारा। नानी कल मैं गई हूँ नानी, इसलिए इतना रोई है गाय समझा रही हूँ, मेरी जान आई, मेरी दिल का टुकड़ा है ये। हाँ तो गाइस प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, बस आप लोगों से यही मेरा ये वाला ये पार्ट बनाने का सिर्फ यही था मकसद कि ऐसे मैसेज ना किया करे प्लीज। हमारी नहीं नहीं तू रो के पागल है, रोने की क्या बात है, बुरा ही लगता है। वो तो हम गाइस को क्या बता, 10 मिनट के ब्लॉग में उनको क्या जज वो करेंगे कौन संभाल रहा है कौन नहीं कर रहा, तो रो मत पागल है। अरे आपके मैंने हेयर ऐसे देखे दिखाओ, ऐसे करवा दूंगा आपके बाल में बेटा, हैं अच्छे लग रहे ना है निशा, बता अच्छे लग रहे नहीं लग रहे हैं। टीवी में ये है अक्षिता है, अक्षिता के पापा के पास जाना है, ये लड़की के बाल बहुत अच्छे लग रहे निशा मुझे तो है। भाई चले ऐसे बाल आपके करा दूं, कटवा दूंगा ऐसे हैं पक्का, देख लो वहां रोगे तो नहीं है निशा। कहां पर ले जाऊं, जेंट्स में ले जाऊं कि लेडीज सैलून में, लेडीज हैं लेडीज में लेके जाओ ना, लेडीज में ले जाओ ना, चले परी चले हैं। चलो कल आपको लेके जाऊंगा, आपके बाल ऐसे कटवा लो ना, देख लो पहले आप गर्मी तो लगी नहीं, गर्मी लगी। तो गाय अब फाइनल हो गया, परी के बाल हम ऐसे कटवाएंगे कल। बड़े मुझे ये बड़े दिनों से ना इसके बालों के बारे में सोच रहा, लेकिन मुझे ना कोई हेयर स्टाइल पसंद नहीं आता, लेकिन मैंने अब ये मैं वीडियो देखा था ब्लॉग में, तो इसको देखा कि बाल बहुत अच्छा है, मैंने परी के ऐसे ब्लॉग करवा देता हूँ, ऐसे बाल करवा देता हूँ। ठीक है परी चले बाल कटाए, आए परी भी कह रही कटवा दो, चलो देखते हैं गाइस। दादी मम्मी क्या हाल है आपके? हाँ ठीक। मम्मी जो बाल मैंने आपको दिखाए हैं कटवाऊं जाके? अरे वो साइडों से ना गर्मी, वो साइडों छोटे छोटे बढ़िया लगेंगे। अरे गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो उससे बाल सिमटे रहते हैं उसके, रबड़ बन जाती है ना, सही है फिर नप लगा दो, गर्मी में गर्मी लगती है बाल नीचे आ जाए फिर कैंसिल कैंसिल। गाइस आप कमेंट करके बताना जो हमने सिलेक्ट करे थे बाल, मम्मी ने कर दिए कैंसिल, मम्मी कह रही है मेरी गुड़िया ऐसे ही सही सही लगती है। और क्या गर्मी है, गर्मी में इसके बाल कानों पे आएंगे, कंधे पे आएंगे। या तो ऐसा करो मेरी बात सुनो, तुम्हारा मना ना कटवाने का तो इसके ना... अब हमें समझ नहीं आ रही, अब गाइस बता रहे बात तो सुनो, इसके बाल कटवाएं कि नहीं कटवाएं, स्ट्रेट स्ट्रेट लेंथ करवा दो उसकी, ट्रिमिंग करा दो स्ट्रेट। ये भी तो स्ट्रेट ही थे जो मैंने दिखाए हैं, ये भी स्ट्रेट ही थे तुम्हें, पीछे से ना साइज ट्रिमिंग करा दो स्ट्रेट, उससे क्या ऊंचे नीचे बाल जो है इक्वल हो जाएंगे बस। अरे सही है, थोड़े और बढ़ने दे फिर सारे इसके यहाँ आने दे, तो वही इक्वल हो जाएंगे उसके। गाइस हम तो कटाने जा रहे थे लेकिन हमारी मम्मी ने हमें रोक दिया कि अभी इसके बाल मत कटाओ, पूरे इसके बराबर होने दो, यहाँ से भी, तो फिर हम एक साथ जब बड़े हो जाएंगे फिर इसकी लेंथ कटवा देंगे, तो प्रोग्राम कैंसिल बाल कटवा देंगे। मखनी दाल और चटनी है और रोटी है, मम्मी की खाना बना के रख के जा रही हूँ किचन में, मम्मी नीचे गई हुई है तो उनको बुलाती हूँ, खाना खा लेंगे। सुनील जी कौन है ये बताओ, परी क्या नाम है मेरा बताओ, परी क्या नाम है भैया, नाम बताओ मेरा, टूटू देंगे भैया आपको, बताओ कौन से भैया ये, कोई बात नहीं है, आपने थैंक यू बोला भैया को, कोई बात नहीं थैंक यू बोलो, तरमदीप अपने घर गए, आपने उनको थैंक यू बोला था, और गंदे पे भी आप जब कोई आपको चीज देते ना तो थैंक यू बोला करो, ठीक है क्या बोलोगे बोलो बताओ बोलो, आप थैंक यू बोलो, अच्छा एक बार बोल दो आगे सामने से के थैंक यू भैया बोल दो। परी डरा रहा है, डर गया, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, दो, दोबारा कर, तो करना कैसे डराता है, डर गया क्या, ये निशा किसने सिखाई है, आदत है तो निशा पलंग तो चमक गया भाई तेरा, ये बढ़िया लग रहा पलंग तो, आज ये रोज गोल्ड बढ़िया लग रहा है, आज तो रोज गोल्ड ज्यादा चल रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है पलंग, ये तो फर्स्ट क्लास लग रहा है पलंग, आज पन्नी पन्नी हट गया ना, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, अच्छा अब गंदा करेगी तो करेगी, लग तो अच्छा रहा।
चल कोई भी नहीं, तेरे लिए मैं नई चीज लाया हूँ, दिखाऊं? अभी दिखाता हूँ जो चीज तुम ऐसे बहुत दिन से मांग रही थी। यार सोच, शिमला जाने से पहले तुमने कह थी मुझे चीज ले दो, मुझे ले दो। सोच, तेरे किचन से रिलेटेड चीज है। हैंड मिक्सर तो मांग रहे थे ना मेरे से कि यार मेरे हैंड मिक्सर मुझे ला दो, मुझे दिक्कत होती है, शेक वेक बनाना होता है। तो अभी मैं आज राहुल जी की दुकान पे गया था और राहुल जी की दुकान के मुझे पसंद आ गया। हैं मुझे फोन नहीं था मेरे पास, मैं कैसे बनाता? हैं आप लेके जाया करो ना। कोई बात नहीं, अब जब जाऊंगा ले जाऊंगा। चल कोई नहीं, ब्लॉग क्या बनाना, चलिए हैंड मिक्सर ले आऊँ, यही बहुत है। दिखाऊं? अभी देख मम्मी के लिए क्या लाया, डैडी क्या लाए, क्या चीज है आपको पता है? हैं? आ जाओ अब मम्मी को दिखाते हैं। ये देखो मम्मी, ये देखो मम्मी आपके लिए हैंड मिक्सर आ गया। अब मम्मी इसमें शेक बनाएगी, शेक बना के देगी परी को, है ना भाई? ओए होए हाँ, चेक करा है राहुल जी ने, चेक करके दिया है, सोना दिया है। है पसंद आया है? बढ़िया परी, अच्छा है। इसका इसका वो स्टैंड भी है, देख जरा अंदर, वो फिक्स करना पड़ेगा। हाँ मैं फिक्स कर दूंगा, मैं रसोई में फिक्स कर दूंगा। हाँ ये फिक्स कर दूंगा, हाँ ये फिक्स कर दूंगा। वैसे रोज मुझे अब स्ट्रॉबेरी शेक बना के दियो, मैं तेको पाउडर दे दूंगा स्ट्रॉबेरी वाला, और मुझे बना के दियो, ठीक है? दो मिनट काम है, दो मिनट में मैं दिखाऊंगा, ठीक है? आपको खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है, आप खुश है? हैं सुनील जी, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ चाहिए? अब नेक्स्ट मंथ में बोलेंगे, अभी बहुत खर्चा होगा सुनील जी। हां सब हो गया, कोई बात नहीं। और कुछ चाहिए बता दें, चाहिए थोड़े दिन बाद बताएंगे। क्या चाहिए बता, मैं प्रेस करा दूंगी। चलो जब तक कर लगेगा ना फिर ले आऊंगा। बढ़िया, इससे दूर रखी भाई, ये तोड़ ताड़ देगी। पर ये खिलौना नहीं है भाई तेरा कोई। हाँ अरे तुम कल उठते ना पहले स्टैंड लगा दो, जिससे कि इसका हाथ भी नहीं जाएगा और फिक्स रहेगा मेरा। मैं कल लगा दूंगा सब स्टैंड, ठीक है? बढ़िया लगा जी, आज इसका जय गणेश कर देती हूँ। मतलब मुहूर्त निकाल देती हूँ। निकाल दे फिर, तू मत रुक। अब लाया ना मेरे को, रात को दूध पीना होता, शेक बनाना होता, वो बनता नहीं हाथ से, वैसे चम्मच बोल के पी लेती हूँ अपने। अब आलस नहीं होएगा मुझे भी, पिला फिर आज स्ट्रॉबेरी शेक, पिला शेक बना के पिला। स्ट्रॉबेरी शेक तो है नहीं, आपको रूह जरा पिला देती हूँ। नहीं स्ट्रॉबेरी पीता मैं रोज, जानी पीता। रोजा पीता हूँ। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो अब नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान बन रहा है, देखो कोई प्रॉब्लम ना हुई तो पक्का जाएंगे। इस बार मैं लॉस के साथ जाऊँगा, ठीक है जी? ओके निशा, बाय बाय। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा फेसबुक चैनल फॉलो कीजिए, निशा कामरा फैमिली ब्लॉग, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रोज डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट है आपसे फटाफट जाइए और फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ अच्छा ब्लॉग खत्म करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।